السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे. मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ अदा करने के बाद दुआ मांग रही थी, देन लाल जो है वो मेरे साथ आके बैठ गया. आप सोच रहे होंगे लाल कैसे वापस आ गया. जी बिल्कुल, इन्होंने वहाँ पे इतना शोर किया, इतना ये डर गए जिस घर में ये गए थे, जो इन्हें बच्चियाँ ले के गई थी, इतना ये डरे कि थोड़ी देर बाद वो इनको वापस ले आए कि ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, सिर्फ चिल्ला रहे हैं. सो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है, ये फिर वापस आ चुके हैं. यहाँ पे मेरी कैट की डिलीवरी का टाइम भी हो चुका है, सारे साइंस इलामात वही हैं. और देखिए फजर का माशाल्लाह कितना खूबसूरत टाइम है. मेरे घर से बाहर का यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना सुकून का टाइम है ये, वो कितनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी टाइम भी मेरी आँख खोली है अल्हम्दुलिल्लाह. सो जब आप अज़ान हो रही हो और आपकी आँख खुल जाए और अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे दे, क्योंकि आप अपनी हिम्मत से नमाज़ नहीं पढ़ते हो, आप अल्लाह ताला आपको इजाज़त देता है और आप अल्लाह से मांगते हो तभी आपकी नमाज़ होती है. बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं है. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ ही पढ़ ली. फिर मैंने जब देखा तो मौज़ा जो है उसका लेवर पेन बल्कि क्या सारी इलामत स्टार्ट हो गई थी. और यहाँ पे जो है वो जुगनू का उससे खेलने का दिल कर रहा है, बट जाहिर है वो पेन में तकलीफ़ में, और वो बार बार आके उससे छेड़ रहा है, खेल रहा है ताकि मुझसे लड़ाई करे. एंड आखिर जो है वो मौज़ा छुप के मेरे पास आके बैठ जाती है कि मुझे इससे बचा लो. तो मैं उसको काफ़ी मतलब बार बार दूर करती हूँ, लेकिन मौज़ा देखे मेरे पास छुपी हुई है. और देख लीजिए 6:30 हो चुके हैं, मैं अपनी मौज़ा के पास हूँ. 7 मार्च का दिन है, शोबान की 26 है. और ये हमारा नाश्ता, क्योंकि पिछले दिनों मुझे कुछ मजबूरी थी तो मुझे नाश्ता करना पड़ रहा था. मैं नाश्ते से ट्रांजिशन करके बिल्कुल लाइट चीज़ पे आ गई हूँ, क्योंकि मेडिसिन लेनी होती थी. सो या तो अब जो है मैं नाश्ता आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर रही हूँ. अस्सलामु अलैकुम. आज है जनाब नेक्स्ट वीडियो का day 1, एंड देन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 दिन की वीडियो इकट्ठी जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी, या फिर 2 डेज़ की जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी. आज बड़ी लाइट लाइट सी खांसी भी आ रही है, और आज जो है वो मौज़ा के बेबी भी होने हैं, और सुबह सवेरे से उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है. एंड मुझे लगा शायद मैं नमाज़ पढ़ के जब फारिग हुई तो मुझे लगा कि चले मैं इसके साथ मौजूद होंगी और इसके साथ इसके बेबी हो जाएंगे, लेकिन अभी इसके कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं. और लेकिन होने आज ही हैं, क्योंकि जितनी इलामत हैं वो सारी मौजूद हैं इसमें. सो आज ही होने हैं, तभी देखते हैं कितनी देर तक इसके बेबी हो जाते हैं. अगर 1-1.5-2 घंटा लगता है तो चलो हस्बैंड घर पे होंगे तो टेक केयर कर लेंगे, और दिल तो चाह रहा है इसको साथ उठा के ले जाऊँ. साथ इसको ले जाऊँ एंड देन, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती. एंड आज मैंने ये पहना है ब्लू एंड ग्रीन, और इसके अंदर 3-4 शेड हैं, लाइक यू सी इसके अंदर ब्लू भी है, पीच भी है, ग्रीन भी है. तो लास्ट टाइम मैंने इसको ब्लू के साथ मैच करके पहना था, और दिस टाइम मैंने इसको ग्रीन के साथ मैच करके पहना है. तो बाकी मेकअप मैंने जो एज़ यूजुअल एवरीडे का होता है नॉर्मल सा वही किया है, हल्का सा लाइनर उसको मर्ज कर दिया, मिटा दिया. और उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है पिंक कलर की एंड लाइट सी, और फिर मैंने लाइट सी लगा के उसको अच्छे से फिंगर से ऐसे मतलब मर्ज कर देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, ताकि कुछ भी फालतू जो है वो ना रहे. और मुझे सांस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, आई डोंट नो क्यों सांस का इतना इशू, सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. और पंप है मेरे पास एस्मा का, सो वो अभी मैं 2 पंप ले लेती हूँ, एंड देन मैं आपको मौज़ा भी दिखाती हूँ. मौज़ा कैसे लेटी हुई, मौज़ा अब इसको मैंने बाहर कपड़ा भी बिछा के दिया है, टॉवल भी रखा है, डब्बा भी रखा है, लेकिन इसका दिल है बस मैं इसके साथ बैठूं. लेकिन इतनी रिस्पेक्ट देखें, कितनी ये चीज़ें नीट और क्लीन होती हैं. कल आपको दिखाया पिछली वीडियोस में हमारे साथ बेड पे बैठी हुई थी, और आके हमेशा मेरे हस्बैंड की गोद में बैठती है जब भी कभी इसने एग खाना हो. और आज देखें इसको पता है कि उसको लेबर पेन है. तो लोग कहते हैं ना कि इनको इन चीज़ों को क्या रखा हुआ है, तो गंदी चीज़ें नहीं, ये हमसे सुथरे हैं, ये हमसे नीट क्लीन है, और उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है. वो आज रात और आज सुबह हमारे बेड पे बिल्कुल भी नहीं आई है. मौज़ा को ये जगह बना के दी है, और यहाँ पे आके खड़ी हो गई, और मुझे पता चल गया इसका दिल है अंदर जाने का. सो मैंने वो टॉवल जो बाहर रखा हुआ था वो मैंने
ला के इसके अंदर रख दिया, तो इसके साथ इसके पहले जो औलाद मोहतरम है वो भी साथ अंदर घुस गई, और बाप जो है वो वेट करेगा मेरे न्यू बच्चे आएंगे, एंड देन आई थिंक वो वहाँ अंदर रिलैक्स है। तो अब पता चल चुका है उसको, जितने बैग्स वगैरह थे मैंने ऊपर बस डंप कर दिया, मैंने कहा बाद में ठीक कर लेंगे, एटलीस्ट इसकी जगह जो है वो बनी रहे। तो अब देखते हैं कितनी देर में हमें प्यारे प्यारे न्यू बेबी देती है, एंड ज़ाहिर है मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, और काश कि मैं वेट कर सकती, काश कि सैटरडे संडे को हो जाते जैसा लास्ट टाइम हुआ था। मेरी बेटी जो है सुबह से तकलीफ में, अल्लाह उसको खैर वाफियत से बच्चे दे दे। पूरा दिन मेरा जो है ना वो इसी में अटका रहा है, मेरी बच्ची में, मेरी बेटी में। सो अल्लाह ताला इसको खैर वाफियत से दे दे, बस हमारे बस यही बहुत है, उसके बाद कुछ सोचेंगे, देखते हैं इसको न्यूट्र करवा देंगे। सो अल्लाह ताला इसको खैर वाफियत से दे, आमीन। से उठ के इसके अंदर चली गई अपने बेटे के पास, ये चली गई अंदर। अब लगता है इंशाल्लाह, उम्मीद है अब जल्दी हो जाएंगे, और ये दोनों जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बहन भाई आने वाले हैं। अच्छा, आज मैं जो है वो जल्दी तो खैर नहीं आई हूँ, लेकिन जिनके साथ आती हूँ उनके साथ आज नहीं आई हूँ वापसी पे, क्योंकि मुझे लग रहा था उनको देर हो जाएगी। तो मैं एक और है हमारी कुली, उनके साथ मैं आ गई। उनको मैंने बताया कि मुझे बहुत अपने बच्चों की फ़िक्र है, एंड देन हंस भी रही थी, वो बहुत मुस्कुरा भी रही थी, शायद वो कल मेरा व्लॉग भी देख लें। सो लेकिन उन्हें फील भी हो रहा था कि मतलब ये प्यार जो है अनोखी चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बात ही आपकी दिल में डालती है। सो और आज मैंने जो है वो एक मददगार, मैं मददगार इसलिए करी तो कि वो जो खातून है वो काम करी उनको सुनाई ना दे। सो मैंने एक मददगार, वो देखिए हमारे हमारी जिम, छोटी सी जिम उस पर जो हम तौलिए लटका के रखते हैं, हमारा टॉवल स्टैंड बना है। ये जनाब हो चुका है मगरिब का वक्त, और अभी तक कैट जो है वो मेरी मौजा बहुत तकलीफ़ में है, और अभी हमने साथ साथ तिलावत भी लगा दी है। अल्लाह ताला इसके लिए बहुत आसानी पैदा करे, बार बार पुश कर रही है, पता चल रहा है कि तकलीफ़ में है, बट अभी तक बेबीज़ जो है वो डिलीवर नहीं हुए। अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि आप प्लीज़ उसे दम करें, अल्लाह ताला इसके लिए बहुत आसानी पैदा करे। यहाँ पे इसका पसंदीदा चिकन जो है वो भी क्रश करके लाइक कीमा टाइप करके इसके सामने रखा है, लेकिन इसने इसको देखा तक नहीं, टच भी नहीं किया। यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी तकलीफ़ में, अल्लाह ताला इसकी तकलीफ़ जो है वो खैर वाफियत से जल्दी दूर करे। और जनाब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने दम किया और तिलावत लगाने के थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनट्स बाद, इसे शदीद वाला लेबर पेन स्टार्ट हो गया, शदीद पुश करना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसने पहला बेबी जो है वो 8:40 पे जो है वो शाम के रात के डिलीवर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जुगनू एंड लाल भी फौरन पहुंच चुके थे, जुगनू अपने बच्चे को देखने के लिए, और लाल जो अपने बहन भाई को देखने के लिए पहुंच चुका था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मुझे डर था कि कहीं लाल या हीरा जो है वो परेशान ना हो जाए, तो लाल जो है बिल्कुल परेशान नहीं हुआ अपने बहन भाइयों के आने से, और बड़े अच्छे से उनको उसने वेलकम किया। लेकिन हीरा जो है वो डर के छुप गया। सो ये लाल का लाल ही बहन भाई जो है सबसे पहले दुनिया में आया है, बिल्कुल सेम कलर, लेकिन इसका थोड़ा सा डार्क कलर है। लाल जो हमारा लाल है उसका लाइट कलर है, और इसका थोड़ा सा कैमल कलर है, गीला है तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, लेकिन ड्राई होने के बाद बिल्कुल लाल की तरह लग रहा था। लाल जो मेरा पहला किटन है जिसके साथ खड़ा है। जहाँ मैं बिल्कुल थक के चूर हो चुकी थी जनाब, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी, शदीद वाली, मेरी आँखें बंद हो रही थी, मैं ज़बरदस्ती खोल रही थी, और माशाल्लाह से मौजा के चारों बेबीज़ जो है वो हो चुके हैं। मैंने इनको पहले डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा माँ अच्छे से उन्हें नीट क्लीन कर ले, माँ ख़ुद को नीट क्लीन कर ले, उसके बाद जो है मैं इसकी जगह चेंज करूँगी और बच्चों के लिए न्यू टॉवल जो है वो बिछा दूँगी, दूसरा जो धुला हुआ है। सो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से दो प्यारे प्यारे वाइट, एक लाल की तरह लाल एंड एक मोइज़ा की तरह बिल्कुल मोइज़ा की कॉपी जो है वो बच्ची है, मुझे शक पड़ रहा है शायद बच्ची है, लड़की है, फीमेल है। सो यहाँ पे लाल जो है फिर अपने बहन भाइयों को देखने आए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा, ये इस बात का बहुत शुक्र है। फिर क्योंकि हीरा जो है वो बहुत डरा हुआ था बाहर, मैं उसको उठा के लाई, उसके बहन भाई दिखाए, लेकिन वो बहुत अजीब अजीब साउंड, डरे हुए साउंड निकाल रहा था बच्चों को देख के। सो मैंने थोड़ा सा थोड़ी देर उसको पकड़ के रखा था कि वो उनसे यूज़ टू हो, बट स्टिल जो है वो डरा हुआ था। यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से बच्चे सो रहे हैं, बिल्कुल एक मोइज़ा की कॉपी है, मोइज़ा के ही हेड के जो प्रिंट्स हैं सर वाले उसके बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन है, माशाल्लाह। और ये लाइट हो गया कलर इसका, जो ब्राउन था उसका ब्राउन जैसा ही कलर हो गया, लेकिन पूरा भूरा है माशाल्लाह, दो पूरे वाइट हैं। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है जी। मोइज़ा के रात को माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी भी हो गए और बहुत खूबसूरत बेबी हुए हैं माशाल्लाह। और जैसे लास्ट टाइम इसने दिया था एक ब्लैक कलर का, देन ब्राउन, देन दो वाइट, लाल जो है उसने तो अपने बहन भाइयों को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो हीरा है उसने वो जो है वो डर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बाप जो है वो तो माशाल्लाह चुगनू तो बहुत बच्चों को प्यार कर रहा था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह अंडा खा चुकी है मोइज़ा एंड अपने बच्चों को प्यार कर। ये मैंने अभी इसकी नई जगह सेट करके इसको दी है, और मैंने पिछला जो है टावल हर चीज़ चेंज कर ली, एंड ये अपने बच्चों के साथ बैठी है, खुश है माशाल्लाह। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, चाय पीती हूँ, फिर चलते हैं स्कूल, और हो सका तो फिर वापस आके इंशाल्लाह बात करेंगे। और जुम्मा भी है तो सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, एंड काश इंशाल्लाह इंशाल्लाह हीरा जो है वो भी इसी तरह जो है फेमिलियर हो जाए अपने बहन भाइयों से और प्यार करे, जैसे लाल जो है बार बार जाके चेक कर। ये है मेरी चाय जनाब, हाफ कप, एंड हस्बैंड थोड़ा सा आज साथ में पुलाव ले रहे हैं, रात को पुलाव बनाया था, एंड बस सेहत जो है वो नासाज ही है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। दो टीस्पून की गोलियां ले लूँगी ताकि आराम आ जाए इंशाल्लाह। मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, एंड देन मैं अपना मेकअप साफ़ कर रही थी, साथ साथ मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस था, गुजर गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सोच रही हूँ किसी मौलाना से बात करके अच्छा सा एक वैलिड रीज़न बता के, वैलिड रीज़न तो यही है कि उनकी हेल्थ के लिए अस्सलाम वालेकुम। आज है जनाब दूसरा दिन और तीसरा दिन, आई थिंक दूसरा दिन है, कल वाला पहला था इस वीडियो का, एंड देन आज दूसरा दिन है। अभी आज सैटरडे है और मैंने बनाया पराठा हस्बैंड के लिए, एंड देन खुद भी मुझे क्योंकि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में मतलब खांसी का बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, मैंने सोचा कि मैं कोई ठंडी चीज़ कुछ गलत चीज़ ना खाऊं, सो मैंने एग बॉयल कर ली हमने, ओके, एंड देन उसके बाद हमारी चाय भी रेडी हो गई है, एंड देन पराठा रेडी हो गया, हम इसको उतार दें, एंड जी, एंड देन ये जो है कल दुआ मांगी थी परसों, तो उसका फल कल मांगी थी, और ये मेरी चाय, मेरे हस्बैंड की चाय, डन हो गया। और आज सैटरडे है लेकिन फिर भी कहीं जाना है, दूसरे स्कूल ने इनवाइट किया, उनका आज ओपन डे है, सो वहाँ जाना होगा, तो 10 बजे तक तैयार होकर निकलती हूँ, तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, और हो सका तो हमें भी वीडियो बनाऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि उनका डे केयर सेंटर कैसा था। साथ में जनाब ये भी निकाल के रखती है, बिल्कुल साथ में ये भी निकाल के रखती है। मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर उन्होंने फ्रॉड किया और कौमी असम्बली में बैठ के और सेनेट सेनेट में काबीना और सेनेट को क्या बोलते हैं नहीं सेनेट को सेनेटर्स बोलते हैं। मैंने ये भी निकाल के ऊपर रखती है, और मैंने ये भी निकाल के रखती हैं, एंड मैंने ये पफ पेस्ट्री भी निकाल के रखती है ताकि ये फिर डिफ्रोस्ट हो जाएंगे आराम से, तो मैं जैसे वापस आऊँगी ओपन डेयर की जो इनविटेशन आया उससे, तो इंशाल्लाह ताला फिर देखती हूँ फिर मैं इसको कैसे सर। ये इंजीर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, सबसे पहले मैंने यहीं पे आके ऐसे खाया, कमाल का इंजीर है, और या सो इसमें से देखूँगी क्या क्या साफ़ करना है, क्या क्या फेंकना है, कुछ चीज़ें फेंकने हुए इनको, माय गॉड मिर्चें सारी ख़राब हो गई हैं, मिर्चें से यहाँ सारी ख़राब हो गई जी। तो आटा भी गूंदना होगा, आटा भी बस ख़त्म भी हो गया, एक आधे पेड़े का ही है, एंड देन यस ये हो गया, और अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके मैंने ये आज पहना हुआ है, बल्कि कल ही ये पहन के गई थी स्कूल, क्योंकि कल सब ने जो है वो शलवार कमीज़ सब टीचर्स को भी कहा गया था कि आप भी जो है वो सपोर्ट करें, और ग्रेड टेन के लर्नर्स ने कहा था कि हम सब पहन रहे हैं तो टीचर्स भी हमें हमारे लिए पहने, सो वी वर लाइक ओके चलो टीचर्स कर रही हैं, तो मैं भी ये ईजी पीजी था उसके ऊपर मैं अच्छा सा प्यारा सा स्लीवलेस गाउन जो है वो पहन के चली गई थी। ये जो है ना मैंने जब लास्ट टाइम वो मंगवाए थे शुगर फ्री, लाइक नॉट शुगर फ्री लाइक शुगर सब्सिट्यूट, तो स्टूविया जो मंगवाया था, लाइक डैट्स नेम इज़ स्टूविया ना,
ट्रूविया ट्रूविया या सो उसके साथ मैंने ये भी मंगवाया था, तो इसमें 200-300 टैबलेट्स हैं। सो लाइक यू सी वी हैव टू प्रेस फ्रॉम हेयर, आई थिंक इधर से प्रेस करेंगे तो यहाँ से टैबलेट निकलेगी, ये टैबलेट यहाँ से निकलेगी, प्रेस ये करना होगा। मैं सोच रही थी कि ये तो वैसे ही घर पे पड़ा हुआ, इसमें मैंने डाल के रखा था जैसे मेरी सारी चीज़ें पड़ी हुई। सो मैं इसको अपने बैग में रख देती हूँ, क्योंकि जब कभी उस दिन भी स्कूल में चाय बनाई सो उन्होंने तो मेरे लिए भी चाय बनाई, सो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू हैव टी, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया था कि टी लूँ मैं विदाउट शुगर या विदाउट सब्सिट्यूट, तो मुझे पीने ही नहीं हो रही थी, बड़ी हार्ड लग रही थी अंदर। सो मैंने सोचा मैं बहुत लाइट सा है, लाइट वेट है, तो मैं इसको अपने बैग में रखूँगी, क्योंकि जब कभी बाहर कोई चीज़ चाय वगैरह या कहवा पीते हैं कुछ भी है, ग्रीन टी या कॉफ़ी, तो एटलीस्ट बंदा एक हाथ उसमें ये डाल देता है एंड देन मैं उसको कंज्यूम ईजिली कर पाऊँगी। अब मेरा जो स्टमक है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता शुगर फ्री को, क्योंकि अब आदत नहीं है। सो मैं इसको अपने बैग में रख दूँगी। सो बाकी जो है वो कपड़े भी कल वॉश कर लिए थे, कल हेल्पर आई थी, मैं शायद उस वक्त वीडियो बनाना भूल गई, और हेल्पर ने काफ़ी हेल्प की माशाल्लाह, बहुत सारे जो है वो ड्रेसेस भी मेरे एंड देन मेरा स्कूल के जितने गाउन अबायाज हैं मैक्सीज हैं सब वो आयन करके चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड के भी सब हो गए। सो कुछ और सेटिंग्स हैं इंशाल्लाह एंड देन यहाँ पे ये देखें जितने धुलने वाले हैं सारे माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो कल वॉश कर लिए थे और आप वो सूख भी गए हैं, और ये थोड़ा सा तय करने वाला है, वो लेट हो गई थी तो मैंने उसको तंग नहीं किया, कुछ हैंगर्स पे चढ़ाना है क्योंकि इनको आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है इसको कोई आयरन की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ को ऐसे ही मैंने हैंगर पे चढ़ाना है, बाकी बचेंगे सिर्फ दो तीन। और ये मैंने प्लास्टिक बैग रखा है कि जो मेरे देने वाले कपड़े मतलब अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और यूज़ करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। जैसे अब ये है, इसके साथ मैं आपको ड्रेस दिखाऊँगी, तो ये मैंने 2016-15 में बाय किया था, तो अब बस मतलब बस हो गई ना, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगता है आपकी रूह के लिए, और रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो रमज़ान शरीफ से पहले ही ये पता करनी चाहिए, तो हो सकता है इस अबाए को भी मैं, हालांकि बहुत खूबसूरत है ये, और फिर मैं देखूँगी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देने वाली हैं, पर मैं इस प्लास्टिक बैग को मैंने रखा हुआ है कि मैं इसमें डाल के देती जाऊँगी इंशाल्लाह। सो ये मेरे बच्चों का स्क्रैचर है और बड़ा अच्छा साथ खेलते हैं, और आपको ये भी बताना है कि कल जो है वो अचानक से प्रोग्राम बना, और वही लोग जो पहले लाल और हीरा को लेकर गए थे, सो वही उनसे दोबारा बात हुई एंड देन उन्होंने कहा कि हाँ हम लेके जाने को तैयार हैं, और फिर वो दोनों को ले गए हैं, और अभी देखें उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल खा पी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा दुख हो रहा है सुन के कि बच्चे हमारे जो हैं वो खा पी नहीं रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ रात को नहीं खाया। फिर मैंने उनसे कहा था आप ऐसा करो वो चीज़ें जो भी हैं उनको खाने पीने की चीज़ें उनका पानी उनके पास रख दें, इंशाल्लाह रात को जब वो देखेंगे कोई हमें नहीं देख रहा तो वो उठ के खा लेंगे। तो ये मैं जो गाउन बता रही थी आपको इस ड्रेस का दुपट्टा, ये जो मैं अभी वेयर किया हुआ है एंड देन ये गाउन जो है ये मैं साथ में ऊपर से करके गई थी, ये बड़ा अच्छा हो गया था। अभी ये एग बच्चों के लिए उबालते थे हमेशा, दो मेरे लिए एंड एक जो है वो बच्चों के लिए, तो आज दो लाल और हीरा तो है ही नहीं, अल्लाह ताला उनको वहाँ बहुत खुश रखे। और कोई अच्छा घर जब बच्चों के लिए मिल जाता है तो आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हो, और यहाँ पे मोइज़ा जो है वो अपने बच्चों को फीड करवा रही है और साथ साथ मुझे भी देख रही है, छोटे छोटे से बेबी अपने फीड करवा रही है, तो दिल बड़ा दुख रहा है, रात से उदास भी है, साथ साथ दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह ताला लाल और हीरा के दिल जो है वहाँ पे सेट हो जाए। और ज़ाहिर है मैं इतने नहीं रख सकती आपको पता है, और ये तो मैं अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला अगर आपको जब बेहतर लगता है तभी हमारे बच्चे जो है वो हमारे लाल और हीरा जो है वो कहीं पे सेट हो जाए, तो लास्ट टाइम भी गए वापस आ गए एंड देन अभी मोइज़ा के बच्चे हो चुके हैं, तो अगर इसके साथ वो सेट हो जाते हैं तो मुझे बहुत हमें बहुत खुशी होगी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अंदर से सैड भी हैं, अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब आप जैसे ऐसे जब इसको बजाते थे तो दोनों आके बड़ा तंग करते थे, बड़ा उनको होता था कि हमारा एग पहले छील के हमारे हवाले कर दो एंड देन उसके बाद हम बाकी खाना जो है वो हम बाद में खाते थे, पहले उनको देते थे। तो अभी चिकन भी दिया है बच्चों को, तब भी बहुत याद आई उनकी, रात को भी बड़ी याद आई, लेकिन अल्लाह ताला से फिर यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हक़ में जो आपसे यही दुआ की थी कि उनके हक़ में जो बेहतर हो या अल्लाह पाक वही करना, तो चार महीने पूरे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास रहे और देखते हैं चलें अल्लाह बेहतर करें इंशाल्लाह।
यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अभी 17-18 मिनट 17-18 मिनट्स वॉक, और साथ में मैंने नोश सिस्टर की वीडियो भी लगा ली है। एंड देन वो अपना सोफ़ा बाय करने जा रही हैं, एंड देन मैं वो वीडियो देखते देखते 18 मिनट्स का मैं अपना पहले लाइट करूँगी एंड देन उसके बाद फास्ट करूँगी, और उसके बाद मैंने इलिप्टिकल करना है। देखिए मुझे 5-6 दिन से सांस ही बहुत चढ़ा, मुझे मसला नहीं समझ आ रहा कि मसला जो है वो जो लाइट सा मुझे माइनर सा एस्मा हुआ है उसकी वजह से है, या फिर ये अल्लाह माफ़ करे कि वज़न तो नहीं वापस बढ़ा क्योंकि थोड़े दिनों से मैं एहतियात नहीं कर रही। वापस मुझे सीरियस भी होना है, वेट मशीन के सेल भी ख़त्म है, सो मैंने वो भी बाय करने और बजाय इसके कि मैं इधर उधर के लवाजमात में पड़ती, ठीक है। सो साथ में सिस्टर को भी सुनूंगी, नॉइस सिस्टर को, एंड थोड़ा सा मैं एक्टिव हो जाऊँ क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी सारा काम भी करना है। ओपन डे मैंने आपको बताया तो उस पर भी जाना है, सो इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, जो कुछ पहना हुआ था उसके साथ ही, सिर्फ अच्छी ब्लड सर्कुलेशन के लिए और सिर्फ ताकि मुझे फ्रेश एनर्जी जो है वो मिल जाए, मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ और जो जो मेरे टास्क हैं इंशाल्लाह ताला वो मैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ मैं कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह, ताकि मुझे सुस्ती ना आए और थोड़ी सी खुशी भी हो जाए कि मैंने आज अपना जो है वो वर्कआउट का सेशन कम्प्लीट कर लिया। अच्छा मैं इसका डन कर चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, 18 मिनट्स मैंने कंप्लीट की, एंड अब मैं अनिया की वीडियो लगा के इसके साथ 15 मिनट के लिए इलिप्टिकल करूँगी। डस्टी हुआ है थोड़ा सा क्योंकि कैट्स खेलती हैं इसके ऊपर, और या सो जैसी हूँ वैसी ही की बेस पे, जैसी हूँ वैसी ही की बेस पे, वाओ क्या नारा बनाए, जैसी हूँ वैसी ही की बेस पे मैं आज की दूसरी जो है वो वर्कआउट, दूसरा वर्कआउट, दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। एंड लेकिन मुझे खुशी हो रही है, अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट और थोड़ा सा सुकूनी सा कि आज पछतावा नहीं होगा कि मैंने आज का वर्कआउट नहीं किया, और एक्सरसाइज हो गई है मेरी कंप्लीट, और अब मैं कर रही हूँ स्ट्रेचेस हो गए काफ़ी सारे, बस ये लास्ट वाला है। एंड स्ट्रेचेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो, क्योंकि यही वो प्रॉपर एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम होता है जब आपको आपके मसल्स को खुराक चाहिए होती है, तो वो जितनी खुराक है वो इसी से पूरी होती है। मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ, ये देखें जनाब, पता नहीं आज इसने इसके साथ क्यों ऐसा किया है, ये शायद अपने बच्चों को मिस कर रहा है। क्या किया है ये क्या किया आपने, ये देखिए शायद अपने बच्चों को मिस कर रहा है, उसको उठा के इसने सारा तोड़ दिया है जुगनू ने। जुगनू ये क्या किया है, हाँ क्योंकि कब से था ये, 3 महीने से है घर पे, कभी इसने ऐसा नहीं किया, और आई डोंट नो आज इसने इसके साथ ये क्यों किया। क्या किया है गंदा बच्चा, क्यों इसको तोड़ा है आपने, बच्चे याद आ रहे हैं, बच्चे याद आ रहे मेरे चांद को हुँ? तो बिल्कुल ये शो कर रहा है कि कोई बात है जिसकी वजह से इसने ये किया है, वरना ये क्यों इस तरह करेगा, पहले क्यों नहीं किया, कितना टाइम है। ये अपने बच्चों को फीड करवा रही है चलो आज मैं आपको उसके बच्चे दिखाती हूँ, इसके बच्चे दिखाती हूँ, पाने पाने छे माने माने छे बच्चे, पिछली दफा तो उसके चारों बेटे हुए थे माशाल्लाह, और अब देखते हैं इसके क्या है माशाल्लाह माशाल्लाह। ओई जो जो जी 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 क्या जी जी, एक ये है जना इसका बच्चा, क्या बात है, अब इनमें और इनमें मुझे फर्क नहीं पता, एक जो है पता नहीं मैंने उसी को तो नहीं उठा लिया वापस, देखे ये है मानशाना मान जानो वाला जब बेटा माना जब बेटा वाला चा, कैसे पता चलेगा तुम बिल्कुल सेम सेम है, कैसे पता चलेगा कौन सा है। अच्छा, एक के बाल थोड़े से घुंघराले और ठहर जो और एक के बाल दूसरे के भी घुंघराले, ओह माय गॉड
ये मरिंडा नहीं है बिल्कुल, मरिंडा पे मत जाइएगा, थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँ और जल्दी से नहा लूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ। जनाब मैं नहा चुकी हूँ एंड आपको अपना आउटफिट दिखा दूँ, ये मेरा नया जोड़ा है माशाल्लाह, मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और मैं अभी इसे वेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। और आज क्योंकि ओपन डे है, कोई स्कूल का वो नहीं है इस तरह, तो मैं सोच रही हूँ कि बस कैजुअल इसी तरह कुछ अच्छा सा पहन के जाऊँ। एंड इस जोड़े के साथ ये मेरा दुपट्टा है, लक्ष्मी लोग कितना अच्छा डालते हैं, मुझे तो सारा डालना ही नहीं आ रहा। और साथ में मेरी ये जो है, ये इसके साथ ट्राउज़र या शलवार जो भी आप कहें वो इसके साथ ये है, और ये है इसके साथ का दुपट्टा, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, बहुत प्यारा, इसके सारे दुपट्टे का ही कमाल है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा दुपट्टा है। सो बस अब मैं ये वेयर करूँगी और फिर मैं आपको तैयार होगी, तैयार तो मैं हो चुकी हूँ लेकिन मैं आप ये चेंज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड इसको ऐसे करना है, उसके बाद दिखाती हूँ लाइक दस एक पांचा ऊपर हुआ। ओके ये है मेरा आउटफिट और काफ़ी खुला लिबास है माशाल्लाह, लेकिन ये कि फिर भी मुझे ऊपर से कुछ आदत है तो मुझे कुछ ऊपर से लेना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। मुझे लग रहा था कि बहुत रेड रेड येलो येलो हो गया और अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन और पोजीशन के लिहाज से ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ ग्रे स्कार्फ कर लिया और ग्रे मैंने और जो उसका पर मैक्सी थी, नहीं नॉट मैक्सी लाइक गाउन, वो मैंने कर लिया, तो थोड़ा सा ये जो है वो कहेंगे सटल या थोड़ी सी सॉफ्ट जो है उसकी लुक आ गई थी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। दूसरा जो था वो ठीक था लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी फुल जो है वो रेड रेड और येलो येलो लुक आए, तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्रे टच दे दिया क्योंकि उस लिबास पे भी ग्रे जो है वो तिल्ला लगा हुआ था तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि पहले कपड़े कुछ और सोचे थे और इसमें रेड शेड आ रहा है येलो शेड आ रहा है, सो लगता है थोड़ी सी लिपस्टिक जो है वो चेंज कर लूँ। यस थोड़ी सी मैंने लिपस्टिक चेंज कर ली। कहानी सुनाऊंगी कि नहाने गई तो क्या हुआ और मैं आज कैसे इतने सालों बाद मैं कैसे नहाई, किस तरीके किस न्यू मेथड से मैं नहाई हूँ, मैं वापस आके आपको बताऊंगी। लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद कर दी, मेकअप मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं करती होती हूँ वैसे ही किया है और बिल्कुल नॉर्मल सा एवरीडे मेकअप, तो चिन भी अल्लाह करेगा डबल चिन भी रिड्यूस हो ही जाएगी एक दिन। सो ये है मेरा आज का लुक और यहाँ से हो सकता है कि वहाँ से वापसी पर मैं इंशाल्लाह हीरा और लाल को भी मिलने जाऊँ, कुछ पता नहीं है। सो थोड़ा सा जाऊंगी ताकि कुछ खा पी लें वो लोग, और अभी मैं जाती हूँ नीचे और मुझे लेने आ चुकी हैं टीचर्स, सो फिर वापस आके इंशाल्लाह ताला वहाँ पे चले, इंशाल्लाह वहाँ पे भी ज़रूर मुलाकात होगी आपसे, तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे। और अभी ये वाला दुपट्टा मैंने बिल्कुल नहीं किया, ये बहुत शौक हो रहा था सो मैंने कहा नहीं ये वाला बस बाहर के लिए, ये नहीं, सो मैंने इसलिए स्कार्फ कर लिया है। जुगनू कैसे सो रहा है माशाल्लाह, कितना क्यूट तरीके से सोया हुआ है, और इसका जो बेटा है लाल भी ऐसे ही सोता होता था समटाइम पूरी बाजू आके खोल के। एंड जुगनू जुगनू क्या चाहिए बेटे को, ट्रीट चाहिए, ट्रीट ट्रीट चाहिए, हाँ ट्रीट ट्रीट चाहिए मेरी चांद को, हाँ आ जाओ और ट्रीट दूँ, आ जाओ कम कम आ जाओ ट्रीट दो। ये देखें जनाब दो पक्का अपनी मामा की टांग पे सोते हैं, सुबह भी मैंने देखा तीन कट्टे यहाँ पे सोए हुए थे माँ की टांग पे और बाकी जो एक वहाँ पे सोया हुआ था। उनको देख के मुझे लाल और हीरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा। अभी चौथा जो है वाइट वो भी आके अपनी माँ की टांग पे सो गया और माशाल्लाह चारों जो है अपनी मामा की टांग पे सो रहे हैं, कितना क्यूट मंजर है, जब तक वो जागेगी नहीं यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अच्छा है माशाल्लाह ना बड़ा प्यारा बनाया है। सो इट्स फ्रॉम व्हिच एज टू व्हिच एज, फ्रॉम 3 months. So in this room, 3 months to 18 months will sleep. So we can see infections again. This is Ali, can you see me? अभी थोड़ा सा मैं इधर की बना रही थी। Looks nice, like that was precious. What is it?
It's actually walking. Yes. Okay, wow. So you know how to play? No, but I'm going to learn now, man. Wow, Miss Zeddy is expert. Or we can hire you to play, man. Wow. Wow, Miss Zeddy, zabardast. We had a big piano at our house. Zabardast. But during the shifting, हमें बेचना पड़ा. वो बेचने क्या पड़ा? देना पड़ा. डोनेट कर दिया. मेरे अपने रिंग्स नहीं पहने. इतना ही फोन रह गया. वही मैं सोची मेरे रिंग्स कहाँ है. वो देखा तो रिंग्स ही नहीं है. चले सी घास की प्यारी सी जो एस्ट्रो बहुत खूबसूरत लगा. बनाओ तस्वीर. ये तो लग रहा है कोई एक्सपर्ट है. हाँ, अब डिस्कशन हो गया. जबरदस्त. ओके, सो वी नीड टू साइन. डिड यू राइट? यस, यू कैन जस्ट साइन हियर. अच्छा, यहाँ पे खूबसूरत सा मंज़र देखिए. माशाल्लाह से बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, लाइक ऑनर्स ने, बोर्ड ने, मैं जिसको भी कहूँ, जो भी. लेकिन माशाल्लाह से बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत प्लानिंग से उसकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी हुई. और फाइनल प्रोडक्ट आप देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट्स आप देख लीजिए, कमाल का. क्योंकि ये डे केयर सेंटर है तो अकॉर्डिंग टू डे केयर और छोटे बच्चों का, मतलब उस लिहाज से कमाल का है. माशाल्लाह माशाल्लाह. सो यहाँ पे मैंने इस बच्ची से कहा कि आप मेरी वीडियो बनाइए और साथ में जो इतना खूबसूरत ये मंज़र है उसको भी कैप्चर कीजिए. सो या अभी मैं ये वीडियोस मैं इसलिए बनवाती हूँ, साथ में मैंने अपनी भी इसीलिए बनवाई. और मैंने ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया कि नहीं फहमीदा, आपकी फुल भी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर मैं इनको कंपेयर करूँगी. अभी रिसेंटली एक दो वीक से जो है वो मैं अपने वेट पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग टाइम में कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेनी होती थी. उसकी वजह से मेरी फास्टिंग भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई. फिर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या क्या था कि मुझे भूख लगती थी और मुझे कुछ खाना होता था. तो इस वजह से मैंने पूरा ये फोकस किया कि कोई मसला नहीं है, पहले अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ले लूँ. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे तो मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी जो मेडिसिन से रिलेटेड भी, इंशाल्लाह. अच्छा, यहाँ पर हमने एयर फ्रायर बाय करना था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एयर फ्रायर. मेरे पास है, अच्छा सा एयर फ्रायर है, लेकिन उसका जो बोल जिसे कहें, जिसके अंदर चीज़ रखते हैं, वो कम है. कि मतलब आप एट अ टाइम, क्योंकि अब हमें माशाल्लाह मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को हमें ऑयली चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती. जब हम एयर फ्रायर में वही चीज़ बनाते हैं उसका रिज़ल्ट, और जो खाने के बाद का रिज़ल्ट भी मैं बात कर रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेज की बात भी कर रही हूँ. एंड देन जो ऑयल में बनी हुई चीज़ होती है उसका इसमें बहुत फ़र्क है. ऑयल में बनी हुई चीज़ बहुत हैवी होती है, खा के आप लोग बहुत हैवी फील करते हैं और समटाइम तबीयत भी ख़राब हो जाती है. लेकिन एयर फ्रायर में मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस किया कि मतलब थोड़ा है, चलो ऑयल का स्प्रे कर दें या ऑयल उसके ऊपर अच्छे से ब्रश से लगा दें, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है. तो यहाँ पे ये 10 लीटर का इसका बोल था, या 10 लीटर वाला ये एयर फ्रायर है. वो हमें इसकी अफादियत के बारे में बता रही थी और पीछे बहुत शोर है, म्यूज़िक भी है, तो इस वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया है. लेकिन वो एक 10 लीटर का था, एक जो है वो 8 लीटर का. तो दोनों का मैं बता रही थी कि किसकी कैपेसिटी या खाना पकाने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा ऊंचा है, किसका फ्रेम नीचे है, किस में जल्दी बनता है, किस में लेट बनता है. तभी मैं सोच रही थी कि मैं सोच समझ के इन्वेस्ट करूँगी. अभी भी जो मेरे पास है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें मैं टिक्का बनाती हूँ. मैंने उस दिन समोसे और रोल्स इसे बनाए और अनएक्सपेक्टेडली लाइक मेरे हस्बैंड ने भी उनको बहुत पसंद किया. तो हालांकि मैं उनको छुपा छुपा के उनकी साइड्स चेंज कर करके ऊपर रख रही थी ताकि जो अच्छी वाली हैं वही ऊपर हों और मेरे हस्बैंड को फील ना हो कि ये कच्चा है, कुछ ऐसा है. लेकिन वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं था, अंदर तक मसाला जो है वो बिल्कुल उबल चुका था. यूँ समझें कि वो शदीद तरीन गर्म था. तो मैंने दोनों तरफ से
उनको 10 मिनट्स पकाया तो बड़े अच्छे बन गए। इसके अलावा हम लोग चिकन जो टेंडर्स हैं वो बनाते हैं, चिकन नगेट्स उस दिन बनाए। सो क्योंकि 2 वीक्स मैंने बड़ी मौजें कर ली, तो यहाँ पे वो सारी मुझे अफादियत बता रही है 8 लीटर वाले में और 10 लीटर वाले में फ़र्क क्या है। एक्चुअली वो चाह रही थी कि मैं 8 लीटर वाला बाय करूँ, उनका ये था क्योंकि ये अभी हेड जो है वो आ गई थी शायद, तो उससे पहले किसी और लेडी ने हमें समझाया, फिर शायद उन्होंने कैमराज में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो जाएं आप उनको समझाएं। इनका दिल था हम 8 लीटर वाला बाय करें, वाई इन्होंने कहा कि कभी भी कुछ कोटिंग में फ़र्क आ जाता है, कुछ भी चीज़ में फ़र्क आया तो हम इसे चेंज करेंगे, और ये साउथ अफ्रीकन प्रोडक्ट है। तो मतलब देखिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसने हमें कोई कितने घंटे का तो खैर नहीं, मतलब कितना लंबा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छे से समझाया, बड़े प्यार से, बड़े फ्रेंडली तरीके से, लेकिन आखिर में भी हमारा दिल यही था कि हम लोग जो है वो 10 लीटर वाला ही बाय करें। हम बार बार उसी को देख रहे थे और कंपेयर कर रहे थे इन दोनों को। Okay. The rice you can cook, but the problem is with your rice is the water level. You must make sure the water level is right. Okay. Because if the water level is not right, it's going to end up burning your rice on top. Hmm. So stuff like if lasagna, we know that. Cottage pies and stuff like that, you can be able to do them here. Hmm. The elements on top. Gobi line, please bring it here. If you look at the elements. Yeah. That will definitely take time to cook compared to this one. The 18 months is not far from your food, but there, it's right there on top. So which means it takes a little bit of time. Make inside the jagar inside. You know the jagar? Pakistani people. You don't know jagar? Pakistani people will put something here to make it a little bit high. We can bring the very close to the element like this side. We make the jagar, you know. That. Yeah, make that one work. Yeah, we Pakistani. Maybe could work. This is a special jagar from Pakistan, you know. Okay. That could work. You understand? Yeah. Look now, how deep it there and how up it there now. You understand? You see, you need to take him for marketing purpose. Now he's showing me something else. Much better than explaining you. So yes. If you say that, I will say, okay, let me just say that. You understand? So. Yeah. Ekki mari hai lohara. Yeah. Another thing, yeah, in terms of the guarantee as well. Yeah. And another thing that you have to look at, ma'am. Yes, ma'am. This is a South African brand. So, you know, eventually, like it or not, it can be Phillips, it can be Bennett Reed, it can be Eiger. Mm-hmm. Some eventually this coating will definitely come out, and then what's going to happen to your air fryer when the coating comes out, eh? You have to put it aside, dash it, and then get a new one. Yeah. But with this product, the Bennett Reed, you don't have to do that. You can bring it to Makro, just ask them to respray, recoat everything for you, so mm-hmm. you can be able to use it again. Okay. So okay. With the others, you can't do that. Mm-hmm. So that's the peace of mind that Bennett Reed is giving you. ये था जनाब मेरे 3-4 दिन का प्यारा सा व्लॉग, और अभी जो संडे को जो मैंने एक्टिविटीज़ करनी है घर पे, जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन करनी है, इसके बाद जो 3 दिन का व्लॉग होगा इंशाल्लाह मैं उसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड कर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।